हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री और आज हम एक नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लास्ट पोर्शन की एक छोटा सा पोर्शन जो था, इट वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड इट वॉज स्पोर फॉर्मेशन। मुझे लास्ट वीडियो से बहुत कमेंट्स भी आए। एक्चुअली आई लाइक्ड इट कि मेरे वीडियोस बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ है, तभी उनको पता चल रहा है कि मैडम ने क्या छोड़ा है। तो चलिए, समहाउ इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। सो स्पोर फॉर्मेशन जो होती है, व्हाट इज इट एंड कौन से ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन होती है? तो देखिए, जैसे हमने कुछ डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, लाइक बडिंग, लाइक रीजेनरेशन और फिशन और फ्रेगमेंटेशन। इसमें हमेशा जो भी मोड था, जो भी रिप्रोडक्शन था, इट वॉज बेसिकली विद इन द बॉडी। बॉडी में ही एक छोटी सी बड निकल आई, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो गई, या बॉडी ही छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, एंड अगेन फ्रॉम दैट फ्रेगमेंट्स नए इंडिविजुअल बने। बट स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्पोर फॉर्मेशन यूजुअली वी कैन कॉमनली सीन इन डिफरेंट फंजाई, ठीक है? उनमें क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि हमारे पूरे प्लांट के बॉडी में फ्रूट्स बनते हैं, वैसे ही आप मान लो कि फंगस के बॉडी में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, एंड इन दिस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। दैट मींस जिस भी स्ट्रक्चर में हमारे स्पोर की फॉर्मेशन होती है, दे आर सिंपली नोन एज स्पोरेंजियोफोर्स। अब इनमें छोटे छोटे इनके सेल्स जो होते हैं, उनमें कंटिन्यू डिवीजन होती रहती है, एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सम वेरी माइन्यूट यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स, एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है? एंड यही स्पोर जब भी किसी हवा के वजह से या किसी दूसरे एजेंट की वजह से, या सिंपली जब भी ये पूरी स्पोरेंजिया फिल हो जाएगी, इट विल बर्स्ट आउट, मैच्योर्ड हो जाएगा, फट जाएगा, सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। एंड ये स्पोर्स जहां भी जाएंगे, अगर एनवायरमेंट फेवरेबल हुआ, देन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसी मोड को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, एंड यस, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें, इट इज राइजोपस। एंड राइजोपस क्या है? इट इज द ब्रेड मोल्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, जो हमारे ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। अब हम आज के टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, सो इट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। हाउएवर, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व तो है, बट उससे पहले क्या इन दो पेरेंट्स में डायरेक्टली कोई बर्ड आती है? क्या इन दो पेरेंट्स भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, या इन दो पेरेंट्स में किसी टाइप की स्पोर की फॉर्मेशन होती है? सो द आंसर इज, ना ही कोई स्पोर बनता है, ना ही कोई बड बनती है, और ना ही कोई टुकड़ों में डिवाइड होती है। इनमें जिनमें भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, एंड उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ हमारे सेल्स होंगे, कुछ हमारे स्पेशल सेल्स होंगे, स्पेशल पार्ट होंगे, जिसमें कुछ चीजों की प्रोडक्शन होगी, ठीक है? तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होती है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हाउ ऑर्गेनिज्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेन देयर क्रोमोसोम नंबर। तो हम सिस्टम में बाद में आएंगे, पहला क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन किया जाता है।
तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आप ये मानो कि जो भी हमारी अमीबा थी, लेट्स अज्यूम दिस अमीबा हैव टू क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि इस अमीबा में दो क्रोमोसोम है। अब जब ये अमीबा रिप्रोड्यूस करेगी तो दोनों ही डॉटर सेल्स में क्या होगा, ये जो दो क्रोमोसोम्स है बराबर जाएंगे, दैट मींस इसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी दो क्रोमोसोम होंगे। तो देखो एक ही ऑर्गेनिज्म है तो इसीलिए कोई भी जीन्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, ना ही कोई क्रोमोसोम की मिक्सिंग हो रही है। प्लस जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट की थी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग के भी है। हाउएवर अगर हम ह्यूमन के केस में देखें या किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखें, लेट्स अज्यूम कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, इट इज 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। दैट मींस इफ दिस इज दी फीमेल, ठीक है, बहुत ही गंदी फीमेल है, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं समझने के लिए, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज द फीमेल जिसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है एंड दिस इज द मेल, ठीक है, दिस इज द मेल और इनके पास भी 46 क्रोमोसोम है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 46 फादर से 46 मदर से, सो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, डेफिनेट सी बात है डबल क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं है, अगर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो वो इंसान नहीं कुछ और बन जाएगा, ठीक है, सो वो हमारे नेचर के अगेंस्ट है। तो इसीलिए जो भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है दे बियर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिविजन, ठीक है, अ स्पेशल टाइप ऑफ डिविजन होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स में, हर सेल में नहीं, सम सेल्स, कुछ हमारे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है, उन सेल्स में एक स्पेशल डिविजन होता है एंड दिस डिविजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे हम, दिस डिविजन इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है, इट इज कॉल्ड मियोसिस एंड ड्यू टू दिस मियोटिक डिविजन क्या होता है, हमेशा क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है। जैसे कि आप ह्यूमंस में देखोगे स्पर्म सेल्स कम्स फ्रॉम मेल एंड ओवम और एग सेल्स कम फ्रॉम फीमेल, तो इनमें 96 क्रोमोसोम्स नहीं होती है, उनकी कॉम्बिनेशन से 96 क्रोमोसोम्स नहीं होती है, इनकी कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइजेशन से भी हमेशा 46 क्रोमोसोम ही मेंटेन्ड होती है। हाउ, बिकॉज ऑफ दिस मियोटिक डिविजन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिविजन, ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये जो डिविजन है इस तरीके से डिजाइंड किया हुआ है, इस तरीके से रेगुलेटेड है कि हमेशा एट द एंड ऑफ दिस डिविजन क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है। बट रिमेंबर दिस मियोटिक डिविजन और ये जो मियोसिस है इट ओनली ऑकर्स इन आवर रिप्रोडक्टिव सेल प्लस ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या चाहे एनिमल हो। एंड जो दूसरी डिविजन है लाइक इन केस ऑफ असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और इन केस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब सेल तो हमारे बालों के सेल जो हमारे यहाँ पे सेल होंगे वो भी डिवाइड होंगे, जो हमारे लीवर के सेल है उनमें भी डिविजन हो सकती है, बट जो हमारे नॉर्मल सेल्स है और जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनमें होती है एक अलग तरीके की डिविजन विच इज कॉल्ड माइटोटिक डिविजन, ठीक है, माइटोटिक डिविजन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिविजन। इक्वेशनल डिविजन का मतलब है कि अगर 10 क्रोमोसोम है तो 10 ही आएंगे, 20 है तो 20 ही आएंगे, दैट मींस इसमें क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन नहीं होती है। अब हमारा क्वेश्चन था कि कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपनी क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करती है, सो इट इज थ्रू दिस डिविजन, थ्रू
मियोटिक डिविजन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट आर मेल एंड फीमेल गैमेट्स. अब देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी मेल है या जो भी फीमेल है उनमें फ्रेगमेंटेशन हो, उनमें बडिंग हो. सो दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस सम स्पेशल सेल्स. ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते हैं एंड ये जो सेल्स है दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब मेल में, इन केस ऑफ मेल, दैट इज मेल गैमेट्स. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मेल गैमेट्स. एंड इन केस ऑफ फीमेल, जैसे कि हमारी एग सेल, इट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट्स. तो यहां आप देख सकते हो दिस आर मेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर और मेल गैमेट्स ऑफ अ प्लांट एंड दिस इज द मेल गैमेट ऑफ अ ह्यूमन. सिमिलरली एग सेल्स आर फीमेल गैमेट इन अ फीमेल. ठीक है, सो बेसिकली दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें फर्टिलाइजेशन होती है, जिनकी एक्चुअली फ्यूजन होती है. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली इट विल इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल, बट उनमें किसी भी तरह की बडिंग, फ्रेगमेंटेशन नहीं पॉसिबल है. इट इज दिस स्पेशल सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन. द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लावर. जस्ट बिकॉज आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी विल शिफ्ट आवर अटेंशन टूवर्ड्स द फ्लावर. तो देखिए, फ्लावर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड शूट. फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, दिस आर कंपेयर टू द लीव्स. ठीक है, एंड दिस एंटायर सिस्टम इज कंपेयर्ड टू आवर स्टेम. तो इसीलिए कहीं ना कहीं फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहा गया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लावर को हम अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट मींस फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जिसमें क्या होती है, बोथ मेल एंड फीमेल और ओनली वन ऑफ देम आर प्रेजेंट. दैट मींस हम किसी भी प्लांट को मेल या फीमेल या बाइसेक्सुअल कब बोल सकते हैं, बाय लुकिंग एट इट्स फ्लावर. अगर दोनों ही चीजें हैं देन इट इज बाइसेक्सुअल, अगर नहीं है देन इट इज यूनिसेक्सुअल. तो देखिए, फ्लावर के पार्ट पे आते हैं. सो दिस इज द पेटल. Okay, and this green small part is sepal. Again, this is the female part. ठीक है, this long tube, ये जो लंबी tube है इसे हम कहते हैं style. This sticky part, ये जो ऊपर का part है ये बहुत sticky type की होती है, ताकि जो भी pollen grains यहाँ पे आए वो उसे चिपक जाए. So this sticky part is called stigma. ओके, एंड हियर ये जो स्वॉलन पार्ट है इट इज द ओवरी. एंड द एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको हम कहते हैं पिस्टिल. दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिस्टिल. सिमिलरली यहां पे आते हैं, सो दिस इज द एंथर. इस ऊपर के जो ये स्वॉलन आपको पार्ट दिख रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर. ओके, अगेन दिस लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट. एंड ये दोनों पूरे ट्यूब को मिलाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज, ये पूरे स्ट्रक्चर जितनी भी है दोनों को मिलाकर इट इज कॉल्ड स्टेमेन. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज इक्वल टू पिस्टिल, एंथर एंड फिलामेंट इज इक्वल टू स्टैमेन. दैट मींस स्टैमेन इज आवर मेल पार्ट एंड पिस्टिल इज आवर फीमेल पार्ट. ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है. स्टैमेन इज इक्वल टू मेल एंड पिस्टिल इज इक्वल टू फीमेल. अब देखिए, फ्लावर
एज आई टोल्ड यू कि इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स अब ये इनमें कुछ लोचा तो डेफिनेटली होंगे जिसके वजह से ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. बट बिफोर दैट देखिए, इसमें ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट. तो जिस भी प्लांट में सिर्फ या मेल और फीमेल दोनों में से एक प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स द प्लांट हैविंग ओनली वन टाइप, आइदर उनमें स्टैमेन होगा, ठीक है, और उनमें पिस्टिल होंगे. तो सिर्फ इन दोनों में से जब एक होंगे देन इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल प्लांट. जैसे कि आप देख सकते हो पपाया, वाटरमेलन, दे आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट. एंड दिस यूनिसेक्सुअल प्लांट आर आल्सो कॉल्ड डायोशियस, दे आर आल्सो कॉल्ड डायोशियस प्लांट, ठीक है. सिमिलरली बाइसेक्सुअल का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट विद इन द सेम प्लांट. जैसे कि एग्जाम्पल चाइना रोज, हिबिस्कस भी इनको बोलते हैं, एंड देन मस्टर्ड. ओके, सो इनमें क्या होंगे, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट एंड अगेन दिस आर ऑल्सो नोन एज मोनोइशियस प्लांट, ठीक है, इन्हें हम मोनोशियस प्लांट भी कहते हैं. सो ये डिफरेंसेस हमें याद रखने हैं बिकॉज यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के डिफरेंसेस बहुत बार कोर्ट्स पे रिपीट हो चुका है. ओके, अब आते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड होता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. देन हमने ये भी देख लिया कि यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट क्या है, प्लस फ्लावर के कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अब हम देखेंगे कि ये जो पूरी सिस्टम है वो किस तरीके से बनी हुई है. तो नंबर वन आप देखिए, वी कैन ग्रुप द एंटायर प्रोसेस इन थ्री डिफरेंट स्टेजेस. नंबर वन स्टेज इज प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, दैट मीन्स फ्यूजन से पहले वाला स्टेज. नंबर टू इज फर्टिलाइजेशन स्टेज, दैट मीन्स द स्टेज ऑफ फ्यूजन. And number three is post-fertilization stage. That means fusion ho gaya, uske baad kya? What next? Okay? So we will start with the pre-fertilization events. A pre-fertilization events mein humari aati hai pollination. Now my question is, what is pollination? The pollination is the, kya hai pollination? It is the transfer of pollen grains. Theek hai? It simply is the transfer of pollen grains from किससे जाएगी, from stigma to anther. क्यों? क्योंकि anther is the part, हमने जो flower में देखा था, anther is the part जहां पे pollen grains की formation है. और pollen grains क्या है, it is the male gametophyte जिसके अंदर क्या होंगे, male nuclei या male गैमेट्स होंगे. तो डेफिनेटली पॉलिनेशन में क्या होगा, लेट्स अज्यूम दिस इज द फ्लावर एंड दिस इज द एंथर, ठीक है, ये हमारे एंथर है एंड दिस इज आवर स्टिग्मा. तो पॉलिनेशन में क्या होगी, एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगी. दैट मीन्स एंथर से स्टिग्मा तक की जो जर्नी होती है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. नंबर वन इज सेल्फ एंड नंबर टू इज क्रॉस. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी डिफरेंसेस बहुत बार आते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम. तो सेल्फ पॉलिनेशन is the pollination or is the transfer of the pollen grains within the same flower or within the same plant. जैसे कि आप देखोगे एक ही flower में, if in case एक ही flower में हमारे stigma और anther है, अब जब इनके बीच में transfer होगा then it is self pollination. Similarly अगर आप मान लो एक ही plant के एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, दैट इज विद इन द सेम प्लांट, ठीक है, ये हमारे अगर सेम प्लांट के पार्ट है
और सेमी प्लांट के अंदर यहाँ एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देन दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जेनेटिकली वो सिमिलर है, अल्टीमेटली वो सेम ही बॉडी का पार्ट है। तो इसीलिए अगर सेम फ्लावर में हो या एक प्लांट के दो फ्लावर में हो, इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन एंड द प्लांट्स विल बी जेनेटिकली सिमिलर। क्यों? क्योंकि वो सेम ही बॉडी के पार्ट्स है या सेम ही प्लांट के पार्ट्स है। हाउएवर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि अगर दो अलग अलग प्लांट है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट है। अब जब यहां से एंटर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, दूसरे प्लांट के, क्योंकि यहां देखो टोटली दो टू दे आर डिफरेंट प्लांट्स, तो जब इनके बीच ट्रांसफर होगी देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दैट इज ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, इट इज अ ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट एंड इसी के वजह से क्या होगा, दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट, दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट, बट इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में होगा, सेम प्लांट में होगा एंड इसी के वजह से वो हमारे सेम प्लांट में होगा एंड इसी के वजह से वो हमारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे। सो पॉलिनेशन क्लियर है, इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर आपस में सेम फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हुआ और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के बीच में हुआ, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दो अलग अलग प्लांट के बीच में हुआ देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो अब हमने ये तो देख लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग प्लांट्स में होती है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स जाते कैसे हैं? अब हमें पॉलन ग्रेन्स हवा में तो उड़ नहीं सकते, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स के पंख लग जाते होंगे और वो उड़ने लग जाते होंगे। नो, देयर आर सम एजेंट्स, कुछ हमारे एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसमिशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हो दिस वन, ठीक है, इट इज अ हाइड्रोफाइड। हाइड्रोफाइड का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो, ऐसे प्लांट्स बेसिकली जो पानी में रहते हैं। अब वो पानी के अंदर रहते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, दे रिलीज देयर पॉलन ग्रेन्स, पानी में ही अपने पॉलन ग्रेन छोड़ देते हैं, पानी के साथ ही बहते बहते वो दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं एंड दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, ठीक है, जब भी पॉलिनेशन पानी से होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली और एजेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स वाटर। सिमिलरली कभी कभार क्या होती है, हवा से जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज द एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल। उसके अलावा हमारे ग्रास लाइक जितने भी प्लांट्स है, द प्लांट्स बिलोंगिंग टू पोएसी ग्रास फैमिली, उनमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, वो ड्राई होते हैं और इजीली हवा में कैरिड अवे हो जाते हैं, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। तो पॉलिनेशन बाय एयर इज एनिमोफिली। सिमिलरली बर्ड्स से अगर पॉलिनेशन हुआ देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। अगर स्नेल से हुआ तो आप सोचेंगे स्नेल्स, नो, ओके, सो अगर स्नेल से हुआ देन इट इज मेलेकोफिली। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंसेक्ट्स। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से हुआ देन इट इज कॉल्ड एंटोमोफिली एंड अगर पॉलिनेशन रोडन से हुई, किसी और एनिमल से हुई, तो उन्हें हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं इन जूफिली।
तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कितने सारे एजेंट्स हैं, इनफैक्ट कभी कभार हमसे भी गलती से हो सकता है। अगर हम फार्म वगैरह में काम करें, हम हॉर्टिकल्चर एरियाज में काम करेंगे या अपने घर पे भी हम अपने बागों में काम करेंगे, तो हो सकता है हमारे कपड़े में पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाए और हो सकता है हमारे कपड़े से ही वो दूसरे प्लांट तक पहुंच जाए। सो एनी काइंड ऑफ एनिमल अगर वो पॉलिनेशन कर रही है देन इट इज ग्रुप अंडर जू फिली। जू का मतलब होता है एनिमल एंड द पॉलिनेशन बाई एनिमल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज जू फिली। तो नेक्स्ट इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच गया। अब उसके बाद जो प्रोसेस होगी इट इज फर्टिलाइजेशन एंड इट स्टार्ट विथ द पॉलन एट द बॉटम ऑफ द स्टिग्मा। यहां से शुरू होगी हमारी फर्टिलाइजेशन की कहानी। तो देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, ओके तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स जो है दे विल स्टिक टू हेयर, यहां में आकर वो चिपक जाएंगे। बट क्या पॉलन ग्रेन सारे के सारे अंदर जा पाएंगे? नो। अब आप सोचो सारे के सारे अंदर चले जाएंगे तो उनमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन जाकर एग के साथ फ्यूज करेगा। तो इसीलिए क्या होती है, ओनली वन पॉलन ट्यूब विल ग्रो इनसाइड। सारे के सारे या तो यहीं पे सूख जाएंगे और गलती से भी किसी की थोड़ी बहुत ग्रोथ हो भी गई तो वो आधे रास्ते पे खत्म हो जाएगी। और देखिए जो स्टिग्मा होती है उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स क्या करती है, अपने पॉलन ग्रेन्स को पहचानने में हेल्प करती है। क्योंकि देखिए पॉलन ग्रेन किसी भी प्लांट से आ सकता है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉलन उनका अपना है। सो इट इज टोटली अ केमिकल फैक्टर, थ्रू सम केमिकल सब्सटेंसेस दे रिकॉग्नाइज इच अदर एंड उसके बाद धीरे धीरे पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। और पॉलन ट्यूब के स्टार्टिंग में दो हमारे मेल न्यूक्ली होंगे, जो भी ट्यूब है उसके एंड पॉइंट में हमारे दो मेल न्यूक्ली होंगे एंड दे विल आल्सो मूव विथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉलन ग्रेन्स मूव करेंगे। अब देखिए बेसिकली दिस इज दी फीमेल पार्ट, ये पूरी की पूरी जो होती है दिस इज दी एम्ब्रायो सैक। अब इनमें क्या होगा, अलग अलग सेल्स है, जैसे कि ऊपर के तीन सेल्स है दे आर कॉल एंटीपोडल सेल्स, ओके दे आर कॉल एंटीपोडल सेल्स। नीचे के जो दो सेल्स है दे आर कॉल सिनर्जिक्स एंड दिस इज आवर हीरोइन ऑफ द डे दैट इज दी एग सेल। और ये बीच में क्या है, दिस इज दी सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल की खासियत क्या है कि इसमें दो पोलर न्यूक्ली होती है। सो फीमेल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। अब देखो पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्ली आ रही है, अब दोनों न्यूक्ली को पहुंचना है यहां तक। सो आफ्टर रीचिंग हियर सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारे सिनर्जिट्स हैं, देखिए ये सारे जो सेल्स होते हैं तो ये सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे कि आप एंटीपोडल सेल्स का देखोगे तो दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपिंग हमारी एम्ब्रायो सैक है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देन ये जो सेंट्रल सेल है ये फ्यूचर वाला हीरो है, अभी फिलहाल कुछ काम नहीं करता लेकिन बाद में जाकर काम करेगा जब इसके अंदर एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी। सिमिलरली ये जो हमारे सिनर्जिट्स हैं ये क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, किसको दिखाएंगे, टू स्पर्म सेल्स, दैट मींस स्पर्म सेल्स को रास्ता दिखाएंगे या सिंपली जो भी हमारे मेल न्यूक्ली आएंगे उनको रास्ता दिखाएंगे कि बेटा कम दिस साइड, दिस इज वेयर योर हीरोइन इज, दिस इज वेयर द एग सेल इज। तो यस पॉलन ट्यूब जो है इट विल ग्रो इनसाइड। पॉलन ट्यूब सबसे पहले थ्रू सिनर्जिट्स, क्योंकि सिनर्जिट्स में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। थ्रू दैट स्ट्रक्चर थ्रू सिनर्जिट्स पॉलन ट्यूब एंटर करती है इन दिस एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद पहले जो न्यूक्ली आते हैं, रिमेंबर मैंने कहा है पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्ली आती है, सबसे पहला न्यूक्ली जो है इट विल फ्यूज विद द एग सेल।
दूसरा न्यूक्ली क्या करेगा, वो दोबारा आगे जाकर यहां सेंट्रल सेल के साथ जाकर फ्यूज करेगा। सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्ली है उसके साथ जाकर फ्यूज करेगा। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन प्लांट्स। अब देखिए सिंपली कॉमन टर्म्स पे अगर हम देखें, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, बस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बट प्लांट्स में कितने फ्यूजन हो रहे हैं जल्दी बताओ, इट इज टू फ्यूजन, दो मेल न्यूक्ली है, एक जाकर एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, दूसरा जाकर पोलर न्यूक्ली के साथ। तो यस, इन प्लांट्स इस टाइप की फ्यूजन होती है, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब मैंने ये कहा था कि जो भी हमारे सेंट्रल सेल है इट इज द फ्यूचर हीरो, इसका काम फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में इसका क्या काम है। अब यहां जो जायगॉट बनेगा इसके अंदर जो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी उसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होते ही हमारे एंटीपोडल सेल गायब हो जाएंगे, उनकी काम बस वही तक है। अब आप देखो 2 बजे तक आपकी क्लासेस होती है, कोई आपको बोल दे बेटा तुम आज रात 10 बजे तक बैठ जाओ, आपको नहीं भाई नहीं, 2 बजे तक ही मेरी क्लास होती है अब और मैं नहीं पढ़ूंगी। तो एंटीपोडल सेल्स का भी वही चीज है, उनका भी एक डेफिनेट पीरियड होता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो नाउ दिस सेल्स, ये जो हमारे सेंट्रल सेल्स है ये क्या करेंगे, दे विल फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है, इनसे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी और यही एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, किसको करेगी, टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो डेफिनेट सी बात है, और एंडोस्पर्म बहुत न्यूट्रिशियस भी है, हम जो ये कोकोनट वाटर पीते हैं, जो नारियल हम खाते हैं, व्हाट इज इट, इट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। सो एवरी सेल ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट हैव सम फंक्शन, जैसे कि एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा, जायगॉट बन जाएगा, और जायगॉट के बाद क्या होगा, डेफिनेटली करेंगे इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बट उससे पहले दिस इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सो क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक मेल न्यूक्ली एक्सेल के साथ फ्यूज होता है, दूसरा मेल न्यूक्ली हमारे पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज होता है। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गई, लेट्स अज्यूम दिस इज आवर एक्सेल एंड दिस इज द मेल न्यूक्ली। ठीक है, ओके जस्ट वेट, ओके सो दिस इज द मेल न्यूक्ली। अब इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो गया, इनके बीच हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई, अब क्या होगा, हमारी एक जायगॉट की डेवलपमेंट होगी, एक प्रॉपर सेल की डेवलपमेंट होगी, जिसे हम कहते हैं जायगॉट, जिसमें पूरा क्रोमोसोम नंबर होगा, दैट मींस इट इज डिप्लॉयड। मैंने कहा था कि जो भी हमारे एग सेल्स होते हैं, जो भी हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं, न्यूक्लीज होते हैं, उनमें हमेशा आधा क्रोमोसोम होता है, बट आधा आधा मिलकर क्या होता है, पूरा। तो सिंपली जायगॉट जो है इनमें पूरा क्रोमोसोम होगा, दे विल बी डिप्लॉयड। अब इस जायगॉट में डिवीजन होगी, अलग अलग तरीके की डिवीजन होगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हो दिस इज द जायगॉट। अब ये जो जायगॉट है सबसे पहले 2 सेल स्टेज हुआ, ठीक है, उससे 1 से 2 सेल बने, डिवीजन हुई, फिर ऐसे ही कंटिन्यू सेल डिवीजन चलती रही, देयर इज अ स्टेज लाइक दिस, इस तरीके की स्टेज बने, फिर ऐसे हार्ट शेप्ड स्टेज बने, एंड अल्टीमेटली इस तरीके की एक एम्ब्रायो की डेवलपमेंट हो गई, प्लस ये एम्ब्रायो किसके साथ होगा, किसके अंदर होगा, इट विल बी डेवलप इनसाइड द सीड, इट विल डेवलप इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, फ्रूट होगी, फ्रूट के अंदर सीड होगा, और सीड के अंदर होगी दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड, क्या है ये, एम्ब्रायो। और इसी एम्ब्रायो में क्या छुपा है, आवर फ्यूचर प्लांट, जैसे कि आप देखो प्लूमूल, प्लूमूल से क्या बनती है, फ्यूचर स्टेम बनेगी,
एंड जो हमारे रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स से क्या बनेंगे, फ्यूचर रूट्स बनेंगे. सो यस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगी, सबसे पहले होगी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो प्लस जो भी हमारी पूरी फीमेल गैमेटोफाइट थी. जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पूरी फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर थी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. ये हमारी बन जाएगी सीड, दैट मींस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारी सीड की भी डेवलपमेंट होगी. अगेन ये जो पूरी स्ट्रक्चर थी ओवरी, दिस ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट. दैट मींस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारी फ्रूट की भी डेवलपमेंट होगी. तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, लेट्स अज्यूम मैंगो, ठीक है, सो मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है. सो दिस इज दी ओवरी, ओवरी थी जो अब फ्रूट में डेवलप हो गई. इसके अंदर सीड होगा, सीड क्या था हमारी, एम्ब्रायो सैक थी जो अब सीड में डेवलप हो गई. और इसको अगर सीड को भी हम कभी खोल के देखें, आई एम श्योर किसी ने खोल के नहीं देखा होगा, बट अब जब भी कोई सीड मिले उसको खोल के देखना, उसको भी अगर हम खोल के देखेंगे तो इनसाइड दैट सीड वी विल गेट दी एम्ब्रायो विच विल बी आवर फ्यूचर प्लांट, ठीक है. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड एम्ब्रायो एंड फ्रूट की डेवलपमेंट होती है. अगेन इसी सीड को अगर हम टोटली प्लांट कर दें तो हमें एक नई प्लांट मिल जाएगी. सो दिस आर द इवेंट्स दैट आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन प्लांट्स, ठीक है. नंबर वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नंबर टू इज क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड नंबर थ्री इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. सो क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, और ये जो भी है पॉलिनेशन जो भी है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश, क्या है, ऑप्शन दे रही हूं, एंथर, ओवरी एंड स्टैमेन. अब आप मुझे बताना कहां फॉर्म होती है. टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.